नमस्कार दोस्तों, पशुपालन एक लाभदायी व्यवसाय इस YouTube चैनल पर मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना काफ़ी आसान है, वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है उसे दबाना है और साथ ही जो बेल का आइकॉन का बटन आएगा उसे भी क्लिक करना है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको गोट फार्मिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक्स पे वीडियो बनाना है या जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, तो बहुत से भाइयों ने कमेंट्स किया। तो आज उसी में से एक रोहन अजमेरी करके हमारे दोस्त है, इन्होंने कमेंट्स करके पूछा था कि बकरी गाभिन है या नहीं, ये कैसे पहचाने। तो उन्हीं के फरमाइश को लेकर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो का शीर्षक है बकरी गाभिन है या नहीं है, ये कैसे पहचाने। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स बताऊँगा, ये यानी 10 संकेत है कि जो हमें जानने में मदद करेंगे कि बकरी गाभिन है या नहीं है। दोस्तों, कोई भी अगर आप पशुपालन कर रहे हो तो पशुपालन में जानवर गाभिन है या नहीं है ये पहचानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर इनके बकरी गाभिन है और हमें पता नहीं है या फिर बकरी को कोई ट्रीटमेंट देनी है, तो वैसे में अगर गाभिन बकरी को गलती से कोई ट्रीटमेंट अगर आपने दे दिया और उसका अगर साइड इफ़ेक्ट हो गया तो बकरी जो है ये मिसकैरेज कर सकती है। तो इसलिए हमारा ये जो वीडियो काफ़ी सबके लिए काफ़ी उपयुक्त तो रहेगा और ये आपको मदद देगा कि बकरी गाभिन है या नहीं कैसे जानने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बकरी गाभिन है जानने का सबसे बड़ा संकेत है कि जानवर की मेटिंग देखना, ठीक है। अगर बकरा बकरी के साथ मेटिंग कर चुका है तो मे बी 100 में से 70-60% चांसेस है कि बकरी गाभिन होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्रक्रिया है ये हमें नहीं दिखती है, हमारे पीछे कभी कभी ये मेटिंग प्रक्रिया हो जाती है, तो ऐसे में हमें बकरी गाभिन है या नहीं है ये जानना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसी संदर्भ में आज का वीडियो, चलो दोस्तों देखते हैं कि कौन से 10 टिप्स मैंने आपको बताए। सब्सक्राइब करें पशुपालन एक लाभदायी व्यवसाय चैनल को और दबाइए बेल का बटन ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हाँ, तो दोस्तों देखते हैं कि बकरी गाभिन है कि नहीं, ये कैसे पहचाने। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि बकरी का हीट में ना आना। जी हाँ दोस्तों, जो बकरी गाभिन हो गई है, जो बकरी बकरे से लग गई है, वो बकरी फिर से हीट में नहीं आएगी, ठीक है, या फिर वो बकरे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगी। जो प्रेगनेंसी के पहले जो संकेत दिखाती थी बकरों को आकर्षित करने के लिए, वो संकेत बिल्कुल नहीं दिखाएगी। तो अगर कोई बकरी आपको हीट में आने के संकेत नहीं दिखाती है तो समझ लेना चाहिए कि ये बकरी गाभिन है। तो ये काफ़ी सरल और सोपे संकेत में आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा भी कई बार होता है कि अगर बकरी गाभिन भी ना हो और वो संकेत भी ना दिखाए तो हो सकता है उसमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो या ट्रीटमेंट करनी पड़े। तो लेकिन एक बेसिक तौर पर समझ लीजिएगा कि अगर बकरी हीट में नहीं आई तो समझ लीजिएगा कि बकरी गाभिन होने के संकेत चांसेस है। दूसरा संकेत होता है बकरियों की भूख बढ़ेगी और दूध कम होगा। जी हाँ दोस्तों, जब बकरी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी भूख अचानक से बढ़ जाती है। यह हमें भी पता चल जाएगा जब बकरी आमतौर पर जितना खाती थी उससे अधिक खाती है, अधिक डिमांड करती है और उसका दूध जो है वो आमतौर से कम हो जाता है। एक नेचुरल प्रक्रिया है कि बकरी जो है ये प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा क्यों खाती है, क्योंकि ये जो है उसके शरीर में अतिरिक्त न्यूट्रिशन की विटामिन की ज़रूरत पड़ती है और उसको पूरा करने के लिए बकरी आमतौर से ज़्यादा खाती है। और दूध कम इसलिए होता है कि वो जितनी कैलोरीज कैल्शियम हो वो बचाने के लिए बकरी का दूध ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा कि बकरी का दूध अगर कम हो गया है, भूख बढ़ गई है, तो बकरी गाभिन है, ये भी एक संकेत हमें समझना होगा। तीसरा हमारा संकेत दिखाई देगा कि बकरी का पेट फूला हुआ दिखना। दोस्तों, जो गाभिन बकरी है इसका पेट जो है ये हमें आमतौर पर फूला हुआ दिखता है। ये शुरुआत में नहीं आता है लेकिन जब 2 से 2.5 से 3 महीने के आसपास ये बकरी का पेट हमें फूला हुआ दिखेगा तो एक सरल उपाय है, सरल संकेत है कि बकरी का गाभिन होने का नहीं, ये समझ सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी गैस के कारण भी बकरी का पेट फूल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाभिन है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि बकरी का मेटिंग हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बकरी और बकरी का मेटिंग हुआ है तो और उसका पेट फूला है तो ये संकेत हो सकता है कि बकरी गाभिन है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। चौथा हम एक संकेत देखेंगे कि बकरी के स्वभाव में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह की बकरी प्रेग्नेंट होगी तो बकरी के स्वभाव में अचानक आपको बदल दिखाई देगा। जो बकरी आपसे दूर भागती थी, आपके आप पास जाने के बाद बकरी कतराती थी,
तो वो बकरी अचानक आपके प्रति प्यार दिखाएगी, वो बकरी आपके पास आएगी, आपको आपके शरीर से शरीर को रगड़ेगी, साथ ही आपको उसको हाथ लगाने देगी और वो चाहेगी कि जो हमारा गोट फार्मर है वो बकरी की पीठ थपथपाए, सहलाए, है ना। तो एक नेचुरल होता है कि जब जानवर प्रेगनेंसी में होता है तो वो खुद को सिंपथी यानी खुद को दूसरे से प्यार पाने के लिए आतुर होता है। तो ये भी एक संकेत है कि बकरी के स्वभाव में अचानक बदल हो जाएगा। और पांचवा संकेत है कि बकरे के स्वभाव में बदल। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि प्रेग्नेंट तो बकरी है तो फिर बकरे के स्वभाव में क्या बदल आया जाएगा, है ना। तो ये भी एक बदल होता है। मैं बताता हूँ आपको कैसा है कि जब बकरी और बकरा एक ही शेड में एक ही बाड़े में रखते हो और बकरी प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे क्या होता है कि बकरे का स्वभाव जो है उस बकरी के प्रति काफ़ी आक्रामक होता है, है ना। बकरा वो बकरी को बार बार मारने की ओर देखता है। तो ये जो है ये संकेत नेचुरली आमतौर पर नहीं होता। आमतौर पर जब बकरी प्रेग्नेंट नहीं होती तो बकरा वो बकरी की तरफ काफ़ी आकर्षित होता है और उससे उससे क्या है लगान करने की यानी प्यार करने का कोशिश करता है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये उसके प्रति आक्रामक हो जाता है। छठा संकेत है कि बकरी का पेट का आकार बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बकरी का पेट का आकार बढ़ता है कि 3.5 से 4 महीने के आसपास, 2 से 2.5 महीने के आसपास भी समझ लीजिएगा, ये डिपेंड करता है बकरी की नस्ल पे। तो बकरी का पेट का आकार बढ़ता है, बकरी का भूख बढ़ती है तो नेचुरली उसका पेट का आकार भी बढ़ेगा, है ना। तो ये भी एक संकेत है, बकरी का पेट का आकार अगर आप बड़ा हुआ दिखे आमतौर से ज़्यादा तो ये भी एक संकेत आपको मानना चाहिए कि बकरी का प्रेग्नेंट है करके। लेकिन अगर गैस का प्रॉब्लम है तो मेडिकल चेकअप करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और सातवां हम संकेत देखेंगे बकरी के आकार में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, जब कोई भी बकरी प्रेग्नेंट होती है और वो 1 से 2 महीना क्रॉस करती है तो वो काफ़ी हेल्दी लगती है और उसकी स्किन में उसके जो आकार में काफ़ी बदलाव दिखता है। बकरी आमतौर पर जो पहली दिखती थी उससे काफ़ी खूबसूरत दिखती है, हेल्दी दिखती है, है ना। तो ये छोटे छोटे संकेत है दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि अगर बकरी के आकार में बदलाव दिखता है, सडनली आकार में बदलाव दिखता है तो समझ लीजिएगा कि वो बकरी प्रेग्नेंट है। बढ़ेंगे आगे, हमारा आठवां संकेत हम देखेंगे कि बकरी के नींद में खर्राटे लाना मारना। तो दोस्तों आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता होगा, लेकिन जब बकरी कोई प्रेग्नेंट होती है तो वो आमतौर पर जब बकरी आराम करती है, सोती है, तो वो खर्राटे मारती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आमतौर पर आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा होता है क्योंकि जब बकरी के पेट में जब बच्चे की जो भ्रूण है उसकी जो ग्रोथ होती है तो उसका इफेक्ट जो है उसके लंग्स पे पड़ता है, दबाव लंग्स पे आता है तो उसके सांस रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने के सिस्टम पे थोड़ी रुकावट आती है, उसकी वजह से वो खर्राटे भी मारती है। ये भी हमें देखना पड़ेगा, अगर खर्राटे मारती है तो समझ लीजिएगा कि बकरी प्रेग्नेंट है। और सेकंड लास्ट ऑप्शन है बकरी के थन में सूज दिखना। जी हाँ दोस्तों, कि बकरी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके थन का आकार अचानक से बदल जाता है, ठीक है। जब शुरुआती दौर में बकरी का थन थोड़ा सिकुड़ जाता है ताकि दूध कम होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी पास में आती है तो उसका थन का आकार बढ़ जाता है। उसमें जो दूध देने वाली जो ग्रंथियाँ हैं वो अचानक एक्सपांड करती है, उसमें दूध आना शुरू हो जाता है और उसमें थोड़ी सूजन सी दिखती है। तो ये काफ़ी अच्छा संकेत होता है। और एक देसी तरीका भी है, अगर बकरी प्रेग्नेंट है तो शुरुआत तौर पर अगर आप बकरी के थन से दूध निकालेंगे तो आमतौर के दूध से थोड़ा अलग दिखेगा। अगर उसको थन में लेके आप उसको देखेंगे तो थोड़ा चिपचिपा, थोड़ा गाढ़ा सा लगेगा। तो ये भी आमतौर पर देसी तरीका अपनाते हैं बकरी गाभिन है या नहीं चेक करने का, ठीक है। लेकिन ये विश्वसनीय नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसको अपनाते हैं। और अंतिम और दसवां हमारा संकेत है कि बकरी के पेट में हलचल दिखना। जी हाँ दोस्तों, 3.5 से 4 महीने के आसपास बकरी के पेट में जो बच्चे की जो ग्रोथ है ये पूरी हो जाती है, तो बकरे के पेट में जो बच्चे हैं, बकरी के पेट में जो बच्चे हैं ये मूवमेंट करते हैं। तो ये मूवमेंट हमें साफ तौर पर बाहर से भी दिखाई देगी। जनरली बकरी जो है ये 5 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड होता है, तो 3.5 से 4 महीने के आसपास ये बच्चे की मैक्सिमम तौर पर ग्रोथ हो चुकी होती है। और ऐसे में बकरे की जो मूवमेंट पेट में होती है बच्चे की मूवमेंट हमें आमतौर पर बाहर से साफ दिखती है। तो ये कुछ संकेत दोस्तों मैंने आपको बताए हैं, 10 संकेत हैं। तो ये 10 संकेत से हिसाब से आप बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं ये आसानी से जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये है कि आप आपके जो हर्ड है यानी आपका जो झुंड है ना, वो झुंड पे नज़र बनाए रखें।
ठीक है। अब आप बोलेंगे यार इतना बड़ा झुंड है 24 घंटा कैसे क्या हम नज़र बनाएंगे, तो उसमें भी कॉपी ऑप्शन दे मिल सकते हैं। अगर आप क्या करना है कि जो ब्रीडिंग बक है, ब्रीडिंग का जो बकरा है, इसे आमतौर पर बाहर ही रखे, इन बकरियों से अलग ही रखे, और जब आप सामने होते हैं तब वो बकरी को अंदर छोड़ना है। तो इससे क्या होगा कि जब वो मीटिंग करेगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगी किस कौन से बकरी के साथ उसने मीटिंग किया है, तो आपको भी पता चलेगा कि ये बकरी फ्यूचर में प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं है, और उसके हिसाब से आप आगे उस पर कन्फर्म हो सकते हैं कि ये बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो दोस्तों मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा रोहन साहब का कि जिन्होंने एक अच्छा सा वीडियो, अच्छा सा एक कमेंट्स करके मुझे ये वीडियो बनाने के में प्रेरित किया, साथ ही बाकी सभी दोस्तों का कि जो मुझे काफ़ी प्रेरित कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। रोहन अजमेरी साहब के साथ साथ बाइकी भाइयों लोगों की भी कमेंट्स आई है दोस्तों, लेकिन क्या है कि वो वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगेगा। दोस्तों प्रोफेशनली मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो इसके वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगता है टाइम निकाल के वीडियोस बनाना, और काफ़ी एडिटिंग भी करनी पड़ती है, तो इसके वजह से जो सिंपल सिंपल वीडियो है वो पहले बना रहा हूँ, और जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा और जैसे जैसे समय का तकाजा होगा उस हिसाब से मैं वीडियो बनाते रहूँगा। और आपके जो मुझे कमेंट्स कर रहे हो उसके लिए मैं सही में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो प्यार अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को दिया, इसके लिए मैं सही में सबका शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह प्यार बनाए, बरकरार रखिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, और जितना हो सके उतना दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि सभी को मदद मिले। और दोस्तों एक बात और है कि कमेंट्स करना ना भूले दोस्तों, आप कमेंट्स करने में काफ़ी कंजूसी कर रहे हो और सब्सक्राइब करने में भी, तो प्लीज़ कमेंट्स और सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।